रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम योर मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस मारिया अमजद खान फ्रॉम मोहम्मद अली जौहर एकेडमी प्रेप सेक्शन। हेयर इज़ अ टॉपिक ऑफ आर 8 week एंड आर टॉपिक इज़ अबाउट ग्रेस एंड कर्टिसी एंड आर टॉपिक्स आर Obey your parents and excuse me. Now here you can see the pictures related with these grace and courtesy. First of all, I want to tell you about the grace and courtesy. What are grace and courtesy? Grace and courtesy lessons are given to each child in the environment and usually in a group. This allow the child to have a clear understanding as well as a place to perfect himself with others. बच्चा माहौल में अलग हो या ग्रुप के साथ हो, ग्रेस एंड कर्टिसी के ज़रिए बच्चे को अच्छे तौर तरीके के साथ रहना सिखाया जाता है। इससे बच्चे को वाज़े मालूमात हासिल हो सकती है और साथ ही किसी दूसरे के साथ अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की सलाहियत पैदा हो जाती है। नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक ओबे योर पेरेंट्स। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द पिक्चर रिलेटेड विद दिस टॉपिक। बच्चों, ऊपर वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं, हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, इनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। अगर वो किसी काम से मना करें तो वो काम नहीं करना चाहिए। बच्चों, इसी तरह जब आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हैं और आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है और आपके पेरेंट्स आपको वो चीज़ ख़रीदने से मना कर दें, तो आपको ज़िद नहीं करनी चाहिए बल्कि उनकी बात माननी चाहिए। बच्चों, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए अच्छी ना हो। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट एक्सक्यूज़ मी। बच्चों, जब किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा या मुखातिब करना हो तो एक्सक्यूज़ मी कहते हैं। बच्चों, जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं और आपको अपने मम्मा पप्पा भाई और बहन में से किसी को मुखातिब करना हो तो आपने कहना है एक्सक्यूज़ मी मम्मा, एक्सक्यूज़ मी पप्पा। इसके अलावा आपने किसी को भी मुखातिब करना है तो आपने एक्सक्यूज़ मी कहना है। आई होप योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। हेयर आई हैव सम वर्कशीट सैम्पल फॉर यू अबाउट दी ग्रेस एंड कर्टिसी। देयर आर डिफरेंट ग्रेस एंड कर्टिसी विद दीज पिक्चर्स टू, सो वी हैव टू मैच द सेम पिक्चर्स। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो लिंक भी दिया जा रहा है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। Now I want to tell you about your homework. Apply these grace and courtesy in your home. Do the given activity. Thank you students. Till next class. Allah Hafiz.